गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा एक नया चैप्टर है। इससे पहले हमारे दो चैप्टर हो चुके हैं कंप्लीट। जो आज का जो चैप्टर है वो हमारा है जनसंख्या संगठन। इसमें हम क्या देखेंगे, जनसंख्या संगठन में कितने कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, कितने वृद्ध हैं, फिर देखा जाए तो कितने जो काम करने वाले हैं और कितने लोग आश्रित हैं युवा वर्ग पर। फिर अगर इस संगठन की बात करें तो इसमें आता है साक्षरता, कितने पढ़े लिखे लोग हैं और कितने अनपढ़ लोग हैं। फिर अगर उसको दो भागों में बांटें तो कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, और कितने पुरुष शिक्षित है। तो इस प्रकार हम संगठन में ये सारे आंकड़े लिए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं आप क्या समझते हैं। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की उन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है जिनकी माप की जा सके तथा जिनकी सहायता से दो भिन्न प्रकार के व्यक्ति समूह में अंतर स्पष्ट किया जा सके। अब क्या है, जो जनसंख्या संगठन है उससे हमें इस प्रकार की विशेषता का पता चलता है कि कितने महिलाएं हैं इस देश के अंदर, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, कितने वृद्ध हैं, और फिर उसमें देखा जाए तो कितने पढ़े लिखे हैं और कितने अनपढ़ हैं। आयु के आधार पर हम इसको तीन भागों में बांट सकते हैं। तीन भागों में इसका हम बांट कर अध्ययन करेंगे। जो पहला जो हमारी कैटेगरी रहती है वो रहती है 0 से 14 वर्ष की आयु, 0 से 14 वर्ष। इसके बाद में 14 से 60 वर्ष और 60 से अधिक, ये तीन आयु के आधार पर इनको वर्गीकरण किया जाता है। इसके बाद में लिंग के आधार पर महिला और पुरुष आ गया, श्रम शक्ति के आधार पर। अब ये जो 14 और 60 वाले हैं ये आश्रित कहलाते हैं। अब आश्रित किस पर है, युवा वर्ग पर। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो ये शक्ति आवास की इकाई, कार्यशील व आश्रित जनसंख्या, साक्षरता व्यावसायिक संरचना जनसंख्या संगठन के मुख्य घटक है। यानी कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने अनपढ़ लोग हैं, कितनी महिलाएं पढ़ी हुई है, कितने पुरुष पढ़े हुए हैं, सारे आंकड़े हैं वो क्या है, कितने लोग व्यवसाय की यानी कौन कौन से कार्य धंधे कर रहे हैं और उनमें अपना जीविका कमा रहे हैं, ये सारा देखा जाए तो ये संगठन के अंतर्गत आता है। इसके बाद में दो नंबर पर बात करें, आयु संरचना पर नोट लिखो। आयु संरचना में क्या है, अलग अलग भागों में इनका वर्गीकरण किया गया है। आयु संरचना किसी भी जनसंख्या की एक आधारभूत विशेषता है। यह विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। अब इसने कहा है आयु के आधार पर 0 से 14 वर्ष, 14 से 60 वर्ष, 60 से अधिक, यानी किसी देश के अंदर 0 से 14 वर्ष वाले हैं तो वो क्या है, आश्रित कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद में 14 से ऊपर वाले, 60 वर्ष वाले, 60 वर्ष तक ये होते हैं युवा। ठीक है, इसके बाद में देखा जाए तो ये क्या है, कार्यशील होते हैं, कार्य करने वाले होते हैं। इसके बाद में देखा जाए 60 से अधिक तो फिर क्या हो गया, ये फिर आश्रित आ गए। ठीक है, सीनियर सिटीजन। तो इस प्रकार आयु संरचना किसी भी जनसंख्या की आधारभूत विशेषता या विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। यानी किसी देश के अंदर 0 से 14 वर्ष के कितने बालक हैं और 14 से 60 वर्ष तक कितने युवा हैं और 60 से अधिक वाले कितने वृद्ध व्यक्ति निवास करते हैं। इससे किसी भी श्रम शक्ति का ज्ञान होता है, इससे रोजगार की स्थिति तथा आश्रित जनसंख्या का पता चलता है, इससे भविष्य में जनसंख्या वृद्धि का अनुमान होता है। अब इसने ये कहा है कि मान लीजिए ये दोनों कैटेगरी ये काम नहीं करती, काम तो इनको है ना कार्यशील में नहीं रख सकते, ये इनको आश्रित बोला जाता है। ठीक है, ये बच्चे इनसे काम नहीं करवा सकते, ये विरुद्ध श्रेणी में आते हैं, तो इनको भी सीनियर सिटीजन की श्रेणी में रखा जाता है। तो किसी देश के अंदर अगर इनका आंकड़ा ज़्यादा है तो क्या है, कार्यशील जो लोग हैं वो कम है। तो इस प्रकार किसी देश के अंदर अगर इनकी संख्या ज़्यादा है युवा वर्ग की तो वहाँ क्या है, वो आर्थिक दृष्टि से संपन्न देश माना जाएगा। ठीक है, अगर फिर बात करें अगर ये जनसंख्या ज़्यादा है किसी देश के अंदर तो यहाँ जनसंख्या आने वाले समय में वृद्धि बहुत अधिक तेज गति से होगी। तो ये सारा आंकड़ा निर्धारित करता है आयु संरचना पर। ठीक है, इसके बाद में देखें तो हमारा तीन नंबर पर आता है आयु संरचना का महत्व। अब यानी जो आयु संरचना है हमने कैटेगरियाँ बना रखी है, इनके इनका महत्व क्या है हमारे लिए, ये हमारे लिए क्या काम आती है।
इसके द्वारा ही किसी देश की जनसंख्या को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है। ये वर्ग 0 से 14 वर्ष, 15 से 59 वर्ष, 60 से ऊपर, यानी इसमें तीन श्रेणियां हमने बांट रखी है। तो इससे हमें पता लगता है कि कितने तो 0 से 14 तक के हैं और कितने से 15 से 60 वर्ष तक आते हैं और कितने 60 वर्ष से ऊपर के किसी देश के अंदर नागरिक का वो निवास करते हैं। इसके द्वारा ही देश की जनसंख्या की जन्मदर, अब जो ये कैटेगरियाँ हैं इनके आधार पर हम जन्मदर, उत्पादकता, कितना उत्पादन करने वाले हैं, उत्पादन तो यही करेंगे, तो उत्पादकता यानी ये इन पर निर्भर करती है तीनों श्रेणियों पर। मानव शक्ति यानी मानव कितना का कार्यशील है, वह आश्रित जनसंख्या के अनुपात को निर्धारित किया जाता है, यानी जो कितनी इनमें से जो जनसंख्या है वो इनके ऊपर आश्रित है। तो ये सारा आंकलन हमें आयु संरचना के आधार से ही पता लग पाता है। इसके बाद में 3 नंबर पर देखें, इसके द्वारा ही श्रम शक्ति मतदाता, श्रम शक्ति में क्या होता है, कार्यशील जो जितने भी कार्य करने वाले नागरिक है वो देश के अंदर कितने हैं वो हमें इस श्रेणी से पता लगता है। मान के चलते हैं कि किसी देश के अंदर 100 व्यक्ति निवास करते हैं और उसमें से मान के चलें कि 60 जो व्यक्ति हैं, 100 व्यक्ति निवास करते हैं उसमें से टोटल 100 है, उसमें से 60 क्या है युवा है, और उसके बाद में 20 क्या है बच्चे हैं, ठीक है, और 20 क्या है फिर वृद्ध है। तो इस प्रकार सबसे ज़्यादा कौन हुए, युवा हुए। तो ये कार्यशील जनसंख्या को प्रदर्शित करेंगे, ये नहीं कार्य करने वाले हैं। अब आश्रित कितने, 40% है। तो इस प्रकार ये जो बैलेंस है ये हमें प्रदर्शित होता है। इसके बाद में देखें तो मतदाता, मतदाता में क्या है, जो 18 वर्ष से ऊपर के जो आते हैं उनको वोट डालने का अधिकार दिया जाता है भारत के अंदर। तो इसी प्रकार इन देशों के अंदर अलग अलग कुछ है और उसके आधार पर हम ये आयु संरचना है उसके आधार पर ये पता लगा पाते हैं कि कितने के वर्तमान में और कितने के आने वाले वर्तमान आने वाले भविष्य में ये मतदाता है, जिसकी जनसंख्या वो इस गति से बढ़ जाएगी। इसके बाद में स्कूली बच्चे कितने हैं, इस श्रेणी से हमें पता लगाया जा सकता है, संख्या आदि का पता चलता है। नंबर 4 पर देखें तो भविष्य में जनसंख्या वृद्धि का अनुमान होता है। अब भविष्य में जनसंख्या वृद्धि है वो किस गति से होगी, वो हमें इन तीनों श्रेणियों से हमें पता लग पाएगा, और इसलिए ही आयु संरचना है वो हमारे देश के लिए या फिर अन्य देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।